बात मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड से जुड़ी, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रवेश शुक्ला ने सीधी के एक गांव में शरण ली हुई थी और वहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम वीडियो वायरल होने के बाद से ही दबिश दे रही थी कई जगहों पर, उसकी तलाश में थी और आखिरकार आरोपी प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी एक गांव से होती है। मध्य प्रदेश के सीधी से वायरल वीडियो पर पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला वीडियो वायरल के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। देर रात आरोपी प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी प्रवेश शुक्ला पर NSA लगाया गया है, साथ ही साथ SC/ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। सीधी में एक लड़के के ऊपर एक आदमी के पेशाब करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद शिवराज सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की और सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रवेश शुक्ला नाम के आरोपी पर NSA लगा दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में प्रवेश एक लड़के के ऊपर पेशाब करता दिखाई दिया। इस दौरान वो लड़का वहां सड़क के किनारे बैठा रहा और आरोपी प्रवेश शुक्ला उसके ऊपर पेशाब करता रहा। आरोप है कि प्रवेश शुक्ला BJP से जुड़ा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद BJP ने प्रवेश शुक्ला का पार्टी से संबंध होने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला पर NSA समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। घटना का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति दीनदयाल साहू को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बीच इस मामले में नया मोड़ आया है। पीड़ित के नाम से एक हलफनामा सामने आया। आरोपी प्रवेश शुक्ला ने अपने बचाव के लिए पीड़ित से 100 रुपए के स्टैम्प पर एक हलफनामा भी बनवाया था। हलफनामे में आदर्श शुक्ला पर वीडियो वायरल करने का आरोप है। गौतम द्वारा ही बनाया गया फर्जी अपने स्टूडियो से। आरोपी के पिता ने वीडियो को फर्जी बताया, साथ ही दावा किया कि साजिश के तहत उनकी बेटी को फंसाया गया। हम आज देखे हैं वीडियो तो हम खुद स्तब्ध हैं। ये पूर्णतः फंसाने की साजिश है, हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। वही मुख्य आरोपी प्रवेश शुक्ला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर से भारतीय फुटबॉल ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया है। सुनील छेत्री की टीम ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से मात देते हुए 9वीं बार सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम कर लिया है। मुकाबले के दौरान दोनों टीमें तय समय तक 1-1 की बराबरी पर थी। भारतीय टीम की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी है। साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय टीम को ट्वीट कर बधाई दी। MP के सीधी जिले के वायरल वीडियो पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में, उन्होंने आरोपी पर NSA लगाने के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कही। कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने। आरोपी पर SC/ST एक्ट और NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। IPC की 294/504 SC/ST एक्ट की जो 305 पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। सीधी जिले में आदिवासी शख्स पर पेशाब करने के मामले की हर कोई निंदा कर रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी निराश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी ने मानवता को कलंकित किया है। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला को BJP से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस सवाल पर BJP का कहना है कि आरोपी कोई भी हो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोई भी हो जिनने अगर अपराध इस प्रकार का घिनौना हरकत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर आरोपी को विधायक केदारनाथ शुक्ला का करीबी बताया जा रहा था, जबकि विधायक ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।